फाइनली गाइस हमारे इंडियन बैग ड्रैन 3D गेम के अंदर आ चुका है आयरन मैन। और आप लोग देख ही सकते हो मैं आयरन मैन के कैरेक्टर को यूज भी कर पा रहा हूँ। और जो आयरन मैन है वो देख सकते हो गाइस रेजर लाइट छोड़ रहा है। और आप लोग इस आयरन मैन के कैरेक्टर को फ्लाई भी करा सकते हो और बहुत सारा क्राइम कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप आयरन मैन के कैरेक्टर को अपने गेम में कैसे ले सकते हो। आयरन मैन को गेम में लेने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंडियन बैग ड्रोन 3D के अंदर आर्मी टैंक को कैसे ले सकते हो, इसका क्या चीट कोड होने वाला है। तो गाइस ये कोड्स बताने से पहले मैं चेक करने वाला हूँ कुछ ऐसे कमेंट जो आप लोग हमारे पास करते हो, क्योंकि गाइस यार आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो और अगर हम चेक नहीं करें तो बहुत गलत बात है। तो पहले आप सबके कमेंट चेक कर लेते हैं, फिर हम आपको इन दोनों के चीट कोड्स बता देंगे। और हाँ गाइस एक कमेंट में आयरन मैन का चीट कोड भी है, मैंने उस कमेंट को चेक भी किया था। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखोगे तो आप आयरन मैन का चीट कोड मिस नहीं करोगे। पहला कमेंट भाई ने किया है कि अगर आप किसी एनसीपी को मारकर फिर उसके डेड बॉडी के ऊपर स्टिकी बॉम्ब लगाकर सेटिंग में जाकर एक्टिवेट करोगे बार बार तो एनसीपी चंद्रयान 3 बन जाएगा। मतलब क्या एनसीपी की डेड बॉडी उड़ने लगेगी? तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो इसी एनसीपी को बलि का बकरा बनाते हैं। ये मारा मैंने सूटकेस एनसीपी, ये मर चुकी है। तो चलिए फटाफट से इसे स्टिकी बॉम्ब लगा देते हैं इसकी डेड बॉडी पर। 5 स्टिकी बॉम्ब को हमें लगाना है इसकी डेड बॉडी पर, तो हमने लगा दिया इसकी डेड बॉडी पर 5 स्टिकी बॉम्ब। अब जाके सेटिंग में इसे एक्टिवेट कर देते हैं। वो एक्टिवेट करते ही ये देखिएगा जो एनसीपी की बॉडी है वो चंद्रयान 3 बन गई और वो आसमान में उड़ गई और नीचे भी नहीं गिर रही है। तो चलिए इसे एक बार स्लो मोशन में चेक करके देखते हैं। पहले तो किसी एनसीपी को लुढ़का देते हैं, फिर उसकी बॉडी पर स्टिकी बॉम्ब लगाकर स्लो मोशन में चीज को करके देखते हैं। मुझे लगता है स्लो मोशन में और भी बढ़िया नजर आएगा। तो इस एनसीपी को ये मारा मैंने, ये मर चुकी है। तो चलिए इस पर स्टिकी बॉम्ब लगा देते हैं। इस बार थोड़े स्टिकी बॉम्ब को ज्यादा लगाते हैं जिससे ये एनसीपी और भी ऊंची उड़ जाए। तो मैंने काफी सारे स्टिकी बॉम्बों को लगा लिया है। तो चलिए इसे एक्टिवेट करते हैं। स्लो मोशन भी कर लिया है और इसे बार बार एक्टिवेट करता हूं। तो मैंने डबल बार क्लिक कर दिया एक्टिवेट पे और ये देखिएगा जो एनसीपी की बॉडी है वो चंद्रयान 3 बन चुकी है, मतलब आसमान में उड़ रही है, बिल्कुल काली हो चुकी है उसकी बॉडी। तो यार चलिए इस मिथ से हमने चंद्रयान 3 देख लिया आज और ये मिथ कंफर्म्ड है। इन भाई का कमेंट है कि अगर आप 12-10 लगाओगे तो KTM आ जाएगी। तो चलो 12-10 ट्राई करके देखते हैं, अपने फोन में देखते हैं क्या सच में KTM आती है। तो ये लिखा मैंने 12-10 चीट कोड और डायल करते ही गाइस आ चुकी है KTM। तो गाइस यार इसका चीट कोड तो मुझे भी नहीं मालूम था, तो थैंक्स भाई और ये चीट कोड रियल है। अगला कमेंट है कि अगर आप हेलमेट को डिस्ट्रॉय करोगे तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो हेलमेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें हेलमेट की जरूरत भी तो पड़ेगी। तो पहले हम अपने कैरेक्टर को हेलमेट पहना देते हैं। तो हेलमेट पहनने के लिए बहुत देर बैठना होता है बाइक पे। तो यार मैं बैठ तो चुका हूँ लेकिन अभी तक इसने हेलमेट नहीं पहना है। भाई पहन ले जल्दी से। हाँ ये पहना गया इसने हेलमेट, अब फटाफट से उतर जाते हैं क्योंकि पुलिस भी हम पे हमला कर रही है। पता नहीं यार ये पुलिस वाले मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं हाथ धोके। तो चलिए इसे एक बार उतारने दीजिए। इसने उतारा हेलमेट और जल्दी से मैं अपना लॉन्चर निकालता हूँ और हेलमेट पे किया ये मैंने फायर और फायर कर दिया मैंने गाइस फायर। तो यार हेलमेट तो गायब हो गया, इसका मतलब हेलमेट डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये मिथ बस्टेड है। ये वहां से कमेंट कर रहे हैं कि भाई अगर हम ट्रेन के डोर पर स्टिकी बॉम्ब लगाएं तो मैजिक होगा। तो भाई साहब यार जो जो आप कहते हो वो मैं इस गेम में करता हूँ लेकिन आप हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते हो। तो यार प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मैंने काफी सारे स्टिकी बॉम्बों को ट्रेन के डोर पर लगा लिया है लेकिन अभी भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। तो यार थोड़े और लगा के देखते हैं, क्या पता और लगाने से ये जो मिथ है वो वर्क कर जाए यार। तो गाइस यार काफी सारे मैं लगा रहा हूँ ट्रेन के डोर पर लेकिन गाइस यार कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। अगर हम इतने कार पर लगा देते तो जो कार का डोर था वो बाहर निकल जाता। तो ट्रेन के डोर में कुछ नहीं हुआ। तो भाई का कमेंट बस्टेड है। ये सज्जन कमेंट कर रहे हैं कि अगर आप इन्विटी हेल्थ लगाओ फिर एक हॉर्स को लेकर स्काई फॉल हॉर्स में बैठ जाओ तो आपका जो कैरेक्टर होगा वो कुछ अजीब पोज करेगा। एक बार हम इसे ट्राई कर चुके हैं लेकिन हमने इस तरीके से इसे ट्राई नहीं किया। तो चलिए पहले हम लगा लेते हैं इन्विटी हेल्थ का चीट कोड। तो लगा दिया मैंने इन्विटी हेल्थ का चीट कोड। अब मैं हॉर्स को स्पॉन कर लेता हूं। तो हॉर्स भी आ चुका है। अब मैं स्काई फॉल का चीट कोड लगाता हूं और स्काई फॉल वाले बटन और हॉर्स वाले बटन को एक साथ क्लिक कर देते हैं। तो मैंने क्लिक कर दिया है। तो जो हमारा कैरेक्टर है वो हवा में मतलब आसमान से नीचे गिर रहा है। अभी तक तो हमारे कैरेक्टर ने कुछ एक्टिविटी नहीं की है, मुझे लगता है नीचे गिरेगा तो कुछ हो सकता है। तो ये वे नीचे गिरा कैरेक्टर। और गाइस ये देखिए जो हमारा कैरेक्टर है वो कुछ अजीब ढंग से बैठा है, जमीन पे चल रहा है और पोज ऐसा किया है जैसे कि हॉर्स पर बैठा हूं। और गाइस आप लोग एक चीज और चेक कीजिए, जो हमारा कैरेक्टर है वो हॉर्स के अंदर घुस रहा है, ये देखिए गाइस। और हॉर्स को ड्राइव करने का आइकन भी नहीं आ रहा। तो चलिए इसे बाइक के साथ ट्राई करते हैं। तो ये मैंने
बाइक के साथ अटैक किया। और गाइस ये देखिए बाइक के अंदर भी घुस गया, मतलब इस टाइम हमारा जो कैरेक्टर है वो गोस्ट बन चुका है। तो चलिए गाइस बहुत अच्छा मौका है फायर ट्रक को अंदर से देखने का, तो फटाफट फायर ट्रक को स्पॉन कर लेते हैं और देखते हैं कि फायर ट्रक के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये चला गया मैं फायर ट्रक के अंदर, और गाइस यार फायर ट्रक के अंदर का भी व्यू मतलब सेम ही है। मुझे लगता था कि फायर ट्रक के अंदर बहुत सारी मशीन होंगी, टैंक होंगे पानी के, लेकिन गाइस ऐसा सब कुछ नहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल सब कुछ सेम ही है। लेकिन गाइस जो भाई ने कमेंट किया है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है, तो ये मिथ कंफर्मड है। अगला कमेंट है कि अगर हम 101 डायल करेंगे तो पुलिस की गाड़ी के पीछे 911 लिखा हुआ है। 101 डायल करने पर शायद XUV 700 पुलिस कार आती है ना, तो यार आपसे क्या पूछ रहा हूँ मैं, ट्राई करके देखता हूँ। तो ये किया मैंने 101 अपने फोन में डायल, और गाइस डायल होते ही हमारे सामने आ चुकी है XUV 700 पुलिस कार। लेकिन गाइस यार इस पुलिस कार के तो पीछे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, ये देखिए गाइस। तो गाइस 911 फोन में डायल करके देखते हैं क्या होता है। तो ये किया मैंने 911 डायल, और गाइस ये देखिए डायल होते ही इमरजेंसी सर्विस लिखा हुआ आया था अभी, लेकिन कुछ हमारे सामने स्पॉन नहीं हुआ, ओनली इमरजेंसी सर्विस लिखा हुआ था। तो गाइस मुझे लगता है ये जो मिथ है, ये देखिए गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है 911। तो यार अभी मैं गलती से इन भाई का कमेंट बस्टेड कर देता, लेकिन इनका कमेंट कंफर्मड है। अगला कमेंट है कि भाई अपने फोन में 08080808 डायल करो तो आयरन मैन आएगा। बिल्कुल न्यू चीट कोड है, अभी तक मैंने इसे ट्राई नहीं किया है और आपने भी इसे ट्राई नहीं किया होगा, तो चलिए जल्दी से इसे ट्राई करके देखते हैं आपके सामने। तो ये किया मैंने अपने फोन में चीट कोड डायल, और गाइस डायल होने के बाद जो चीट कोड है वो काम नहीं किया, तो ये चीट कोड फेक है। तो अब आप लोग बोलोगे कि तुमने कैसे ले लिया था आयरन मैन को इस गेम में, तो भाई मैं आपको सच बताऊं तो वो एडिटिंग थी। लेकिन जो मैंने आर्मी टैंक का अपडेट दिया था वो कोई एडिटिंग नहीं थी, हमारे नेक्स्ट अपडेट में आर्मी टैंक ऐड होने वाला है। क्योंकि आज सुबह जब रोहित भाई से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे बोला है कि इंडियन बैक ड्रोन 3D के अंदर आर्मी टैंक को ऐड किया जा रहा है और एक न्यू चीज ऐड की जा रही है जिसकी डिमांड आप बहुत लोग कर रहे थे, मेरे पास बहुत कमेंट कर रहे थे कि उस चीज को ऐड करो, उस चीज को ऐड करो। तो गाइस आप लोग आइडिया लगाइए कि वो क्या चीज होगी। चलिए सस्पेंस को हटा दूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या चीज है। तो गाइस वो चीज है न्यू हाउस। हां गाइस आप सबने सही सुना, इंडियन बैक ड्रोन 3D के न्यू अपडेट में न्यू हाउस शामिल किया जा रहा है, और ये खबर 101% रियल है क्योंकि मेरी आज रोहित भाई से बात हो चुकी है, उन्होंने मुझे बता दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि न्यू हाउस को न्यू अपडेट में ऐड होना चाहिए नहीं, रोहित भाई ने ये सही डिसीजन लिया या गलत लिया। और गाइस जो अब मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो आपको इमोशनल कर सकता है, क्योंकि गाइस आप जो ये वीडियो देख रहे हो ये मेरी यूट्यूब की लास्ट वीडियो है, मैं यूट्यूब को छोड़ रहा हूँ। आज से आपको इस चैनल पर इंडियन बैकड्रोन 3D की वीडियोस नहीं देखने को मिलेंगी। तो ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और कारण ये है कि इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने पर भी हमारे व्यूज बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से वीडियो को क्रिएट करता हूँ और आप लोग देखते नहीं हो, और जो मेरी वीडियो है वो डाउन हो जाती है और हमारा चैनल दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी चैनल की अर्निंग भी डाउन हो रही है, जिसे देख देख कर मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता हूँ। लेकिन गाइस अगर इस वीडियो पे हर वीडियो से ज्यादा व्यूज आ गए तो मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा और इंडियन ड्रोन 3D की वीडियो इस चैनल पर डालता रहूंगा। और अगर इस वीडियो पर भी वैसे ही व्यूज आए जैसे आते हैं तो मैं यूट्यूब को छोड़ दूंगा और इंडियन बैक ड्रोन 3D की वीडियो यूट्यूब पर नहीं डालूंगा। क्योंकि यार मैं स्टूडेंट भी हूँ, मुझे पढ़ाई भी करना होती है और वीडियो भी बनाना होती है, तो मैं दोनों मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब सब आपके ऊपर है, अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हो तो मैं देखता हूँ कि आगे क्या करना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।